ये है दिल्ली दर्पण। लव यू केजरीवाल, तुमने बहुत किए हैं काम। लव यू केजरीवाल, लव यू केजरीवाल, तुमने बहुत किए हैं काम। लव यू केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाना फिर एक बार। लव यू केजरीवाल। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल गुप्ता। जैसे मौजूद हैं दिल्ली के मुंडका विधानसभा के रसूलपुर गांव में, जहां पे आपके प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा जनसंपर्क करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। चौपालों के जरिए जनसंपर्क किया जा रहा है। कल भी हमने देखा है कि हर एक गाँव में जनसंपर्क किया गया चौपालों के द्वारा, पदयात्रा के द्वारा। तो आज वही यहाँ पर जो है प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी नज़र रहेगी यहाँ पर कि किस तरीके से जनसंपर्क यहाँ पर किया जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ। रसूलपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, मुंडेगा के विधानसभा में ये आता है। एक तरफ जहाँ पे आपके प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ कुछ गांव के ही बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, ताइयां हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है माता जी, मुंडेगा में किसकी सरकार बनेगी? हम भी जीतेंगे। ठीक है, केजरीवाल पार्टी आएगी। हर एक चीज़ से सुविधा मिल रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं हर एक काम अच्छा होए। और हम तो शुरू से ही इनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे केजरीवाल के। आम आदमी पार्टी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की सुविधा करवाई है, बिजली की, बसें फ्री करवाई हैं और पाइपलाइन भी बिछ गई। पहले पानी नहीं आता था, आने लगा। भैया आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब अच्छे काम करवा रहे हैं। जो भी करवाई हैं, सड़क, बिजली, पानी, सब की सुविधा है, बसें वसें, मतलब वो सारे गली बन गई, पानी का कनेक्शन ये भी करवा दिया, सारा कुछ फ्री है, बिजली भी। रसूलपुर गांव के बाद मदनपुर गांव में मौजूद हैं और यहां पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहां पे हैं हमारे साथ। बातचीत करते हैं कि कितना खुश हैं केजरीवाल के काम से या बीजेपी को इस बार मौका देंगे। भाई साहब क्या लगता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आएगी। ऐसा क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का है और शौचालय का, विकास का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक ये कैमरे लगे थे, जो आज कैमरे लगे हुए उनके देन है केजरीवाल की। क्या कुछ सहूलियत अच्छी हुई है स्कूलों में? हाँ, कैमरे लगे हैं, स्कूल दोबारा बन रहा है और सफाई भी अब ज़्यादा हो गई है केजरीवाल के आने से। और जगह जगह कैमरा लगे सेफ्टी के, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। और बस केजरीवाल क्यों? पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, स्कूलों में निर्माण हो रहा है, चिकित्सा सेवाएं अच्छी मिल रही हैं। पहले हॉस्पिटल में आदमी जाता था और इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, लेकिन अब क्या है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपके पास पैसे ना हो तब भी आपका इलाज फ्री हो जाता है। अगर वहाँ वेटिंग लिस्ट है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, आपका वहाँ फ्री इलाज हो जाता है। केजरीवाल जी आएंगे बिल्कुल 101%। ऐसा क्यों? देखो जी, केजरीवाल जी ने वो सब कुछ किया है जो बीजेपी आज तक नहीं कर पाई। पानी फ्री दिया है, लाइट फ्री है, रोजगार में प्रोत्साहन मिल रहा है। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है। कुछ सहूलियत बढ़ी है स्कूलों में, कुछ अच्छे हुए हैं या पहले जैसे? पहले जैसे, अब टीचर, पहले टीचर के सारे पीरियड एबसेंट रहते थे, अब सारे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और अच्छा रहता है। और हमारे हैप्पीनेस पीरियड भी बढ़ा है, जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है। और हमारे इधर ये कैमरे लगे चुके हैं, देखिए आप, जैसे ये लगा हुआ इधर, और गवर्नमेंट की तरफ से लगे स्कूल बन रहा हमारा।
बच्चों का भी यही है कि स्कूल में सब सुविधा अच्छी है। ये एक हमारे साथ बच्चा हो रहा है, ये कार्यकर्ता हो आप? हमारे स्कूल की स्कूल स्कूल में पढ़ते हो, कार्यकर्ता भी हो, क्यों केजरीवाल के लिए क्यों वोट मांग रहे हो? केजरीवाल के लिए इसलिए मांग रहे, वे अच्छे है, वे सब कुछ करवा रहे हैं, मनवा भी रहे हैं स्कूल, उन्हें मनवा वे स्कूल मनवा रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी को देना चाहूँगी मैं, क्योंकि दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए भी काफ़ी किया, सरकारी स्कूलों में उन्होंने काफ़ी काम कराया है, सारे काम किए उन्होंने, बिजली पानी का भी किया है, वैसे भी किए हैं सारे काम, यात्रा भी कराई है सब। ठीक है, तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ की गाँव की जो गाँव देहात की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के काम से खुश है, इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका ना देकर आम आदमी पार्टी को ही दोबारा से मौका गांव देहात की जनता देने के मूड में है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी, कैमरामैन विजय कुमार के साथ पुनीत गुप्ता।